एंड वेलकम टू माय चैनल आइल्स विद एमकी। होप यू डूइंग ग्रेट। सो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू दैट हाउ वी कैन क्रैक आइल्स रीडिंग एट होम। बहुत सारी कैंडिडेट्स होती हैं, उनको आइल्स रीडिंग सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। उनके बैंड स्कोर हमेशा 5.5 पर ही रहते हैं। सो इसके पीछे क्या रीजंस है, कैसे हम इसको अमेलोरेट कर सकते हैं, आई विल टेल यू एवरी थिंग इन दिस वीडियो। जस्ट वीडियो को एंड तक देखना, कंसंट्रेशन के साथ देखना, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि घर पर हम कैसे आइल्स की रीडिंग को सॉल्व कर सकते हैं और इवन की 7.5 प्लस बैंड स्कोर गेट कर सकते हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप लोग के लिए फ्रूटफुल है या फिर नहीं है। सो करते हैं फिर स्टार्ट आज की वीडियो। सबसे पहले अगर मैं प्रॉब्लम्स की बात करूं कि आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, फर्स्ट है मैम हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, ठीक है। सेकंड मैम टाइम मैनेजमेंट नहीं होता कि कैसे हम टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, हमारे तो एक घंटे में दो पैसेजेस होते हैं, क्या करना चाहिए हमें। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं मेरे को। और थर्ड प्रॉब्लम होती है मैम हमें लोकेशन नहीं मिलती, मैम हमें कीवर्ड फाइंड आउट करना नहीं आता। अगर किसी को लोकेशन मिल जाती है मैम हमें राइट आंसर फाइंड आउट करना नहीं आता। सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। मैं आपको बताऊंगी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स कि कैसे मैंने अपने बैंड स्कोर को इन्हांस किया था आइल्स की रीडिंग में। सो करते हैं फिर स्टार्ट आज की वीडियो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए। सो सबसे पहले अगर मैं टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करूं, सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई भी एक चैनल फॉलो कर लो। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ कि आपने मेरा चैनल देखना है, नो। जो आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए फ्रूटफुल है वो चैनल देखो, ठीक है। फर्स्ट डे में आपने क्या करना है, सबसे पहले ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की वीडियो देखनी है, चाहे मेरी देखो चाहे किसी और की देखो, कोई मैटर नहीं करता क्योंकि हर एक की टिप्स एंड ट्रिक्स डिफरेंट होती है। सो ये एक बार ध्यान में रखना कि चैनल हमेशा एक ही फॉलो करना। सोचो अब मेरी टिप्स और होंगी, कोई और पर्सन किसी और वे से आपको टीच करेगा, सो आपके माइंड में क्या होगा, कन्फ्यूज़न होगी, तो आप कभी भी एक एग्जैक्टली टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो नहीं कर पाओगे। दिस इज़ द ओनली मेन रीज़न कि आपके बैंड स्कोर क्यों नहीं आते हैं आइल्स रीडिंग में। सो प्लीज़ कोई एक चैनल फॉलो करो। सो आपने सबसे पहले क्या करना है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की वीडियो देखनी है, चाहे मेरी देखो चाहे किसी और की देखो, वीडियो देख ली। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, वही टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करना है और 10 क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं जो किसके साथ रिलेटेड होंगे, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के साथ रिलेटेड होंगे। वीडियो देखने के बाद टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है, 10 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में आया? अब इसके बाद क्या करना है, देखो आपके कितने क्वेश्चन सही है और कितने आपके गलत है। जो गलत है उसको आइडेंटिफाई करो कि क्या मैंने इसमें मिस्टेक की है कि मेरा ये आंसर रॉन्ग आया है। एनालाइज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उससे आपको पता लग जाएगा कि मैंने इसमें क्या गलती की थी कि मेरा आंसर रॉन्ग आया। अगर ऐसा आपको कोई और क्वेश्चन आएगा फिर आप उसको इजीली टैकल कर सकते हो। सो मेक श्योर कि एनालाइज मिस्टेक्स को प्रॉपरली किया करो, ठीक है। सबसे पहले वीडियो देख ली, 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, मिस्टेक को एनालाइज किया। अब जिन बच्चों के पास थोड़ा टाइम है एग्ज़ाम में तो वो क्या कर सकते हैं, इवनिंग में अगेन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के 10 क्वेश्चन सॉल्व करो और देखो कि अब आपके कितने सही होते हैं आइडेंटिफिकेशन के बाद, ठीक है। और जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं है, टाइम है, तो वो अगले दिन करेंगे, 10 क्वेश्चन उस दिन नहीं करेंगे।
एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपने कोई भी चैनल फॉलो करना है, उसकी ट्रू फॉल्स की वीडियो देखनी है फर्स्ट दिन, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, मिस्टेक्स को एनालाइज करने के बाद इवनिंग टाइम में आपने क्या करना है, 10 क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं, जो किसके साथ रिलेटेड होंगे, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के साथ ही रिलेटेड होंगे, ठीक है। इससे आपको क्लियर होगी आपकी परफॉर्मेंस, कि जो आप टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके आई हो वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है या फिर नहीं है। अगर आपके आंसर 7 से अबव आते हैं, इट मीन्स आप परफेक्ट हो, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया है। सो ऐसे अगर आप करोगे तो आपकी इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगी, क्योंकि ये मैंने खुद फॉलो की थी और मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। मैंने भी ऐसे ही रीडिंग की प्रेपरेशन की थी, और जिन बच्चों का एग्ज़ाम में टाइम है तो वो इसको नेक्स्ट दिन करेंगे। उन्होंने क्या करना है, 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मिस्टेक्स को एनालाइज करके 10 क्वेश्चन नेक्स्ट दिन करने हैं फिर, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट दिन फिलिंग दी ब्लैंक्स को करना है, जैसे जैसे मैंने लिखी हैं वैसे वैसे आपने करनी है। ट्रू फॉल्स हो गए, आप फिलिंग दी ब्लैंक्स करेंगे। सबसे पहले आपने वीडियो देखनी है, किससे रिलेटेड, फिलिंग दी ब्लैंक्स से रिलेटेड वीडियो देखनी है, देखना कि आपका जो टीचर है वो आपको कौन सी टिप्स को बता रहा है, उस टिप्स को फॉलो करो और 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फिलिंग दी ब्लैंक्स के। अब बहुत बच्चे नहीं करेंगे 40, देखो 40 मैंने क्यों बोला फिलिंग दी ब्लैंक्स में, क्योंकि फिलिंग दी ब्लैंक्स की काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं आगे, जैसे समरी वाले, फ्लो चार्ट वाले, ठीक है, सिनोनियम्स वाले, टेबल वाले और सिंपल, ये सारी टाइप्स हैं इसकी। सो आपने क्या करना है, 10 समरी वाले सॉल्व करके देखने हैं, 10 फ्लो चार्ट वाले करके देखने हैं, ठीक है, 10 सिनोनियम वाले करके देखने हैं, 10 टेबल वाले करके देखने हैं, हो गए 40, ओके। सो इसीलिए मैंने 40 लिखी है ये। आई होप अच्छे से क्लियर होगा कि आपने हर एक टाइप है जो फिलिंग दी ब्लैंक्स की, उसको एक दिन में करना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, आपने एनालाइज फिर से करना है कि फिलिंग दी ब्लैंक्स में मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की है, क्यों आंसर मेरा रॉन्ग हुआ, क्या मैंने इसमें गलत चीज़ देखी जो मेरा आंसर रॉन्ग आया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट दिन करने हैं 15 क्वेश्चन, किससे रिलेटेड, फिलिंग दी ब्लैंक्स से रिलेटेड। उसमें हर एक टाइप की फिलिंग दी ब्लैंक्स आपको करनी है, जैसे 3-4 आपने टेबल वाली ले ली, 3-4 समरी वाली ले ली, 3-4 सिनोनियम्स वाली ले ली, ऐसे अगर आप करोगे बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट होगी आप में। एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना, और उसी दिन आपने ट्रू फॉल्स को भी टाइम देना है, ट्रू फॉल्स भी साथ में करनी है और फिलिंग दी ब्लैंक्स को भी साथ में करना है आप लोगों ने। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ट्रू फॉल्स के कितने क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो। अब मैंने ट्रू फॉल्स को क्यों साथ में ऐड किया, क्योंकि आप लोगों का कंसंट्रेशन अब मैंने इनक्रीज़ करवाना है। कंसंट्रेशन आपका एटलीस्ट 1 आवर तक चलना चाहिए रेगुलरली रीडिंग में। सो इसीलिए आपने ट्रू फॉल्स आपने पहले कर लिए थे, अब उसके साथ फिलिंग दी ब्लैंक्स के साथ आप फिर से करोगे। ऐसे क्या होगा, आपकी कंसंट्रेशन, आपकी सिटिंग है वो इनक्रीज़ होगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है आइल्स के एग्ज़ाम में, ठीक है। पहले दिन हमने ट्रू फॉल्स कर लिए, सेकंड दिन हमने क्या कर लिए, फिलिंग दी ब्लैंक्स कर लिए, उसमें सभी टाइप्स को कवर कर लिया फिलिंग दी ब्लैंक्स की। अब थर्ड टाइप आपने क्या करनी है, सबसे पहले वीडियो देखनी है, किससे रिलेटेड, लिस्ट ऑफ पीपल, जिसको आप लिस्ट ऑफ रिसर्चर भी बोलते हो, उससे रिलेटेड आपने वीडियो देखनी है, ठीक है। कोई भी चैनल की देखो, ये मैटर नहीं करता, जो चैनल आपको बेस्ट लगता है वो चैनल आप देख सकते हो, ठीक है। अब आपने वीडियो देख ली, फिर उसके बाद आपने 15 क्वेश्चन करने हैं लिस्ट ऑफ पीपल से रिलेटेड, 15 क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है। फिर आपने एनालाइज करना है कि क्या चीज़ मैंने गलत की है
जो मेरा आंसर रॉन्ग हुआ है, ठीक है, एनालाइज हो गया। फिर वही जिनका एग्ज़ाम नियर है उन्होंने इवनिंग में 10 क्वेश्चन फिर से सॉल्व करने हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग के, और अब साथ में उन्होंने फिलिंग दी ब्लैंक्स भी करने हैं और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन भी करने हैं। जो जो हम पीछे करके आए हैं उसको साथ में ऐड करते रहना है आप लोगों ने। जैसे हम ट्रू फॉल्स करके आ गए थे, फिलिंग दी ब्लैंक्स करके आ गए थे, अब जब आप थर्ड टाइप करोगे तो आप तीनों को कंबाइन करके करोगे, ठीक है, सभी को कंबाइन करके करोगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बोन की तरह काम करेगा। ये वाली टिप्स हैं, ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस टिप्स का यूज़ किया और उनको अमेजिंग रिजल्ट मिले हैं। एक बार ट्राई ज़रूर करना इसको, ठीक है। अब लिस्ट ऑफ पीपल भी हो गए। अब हमने क्या किया, फोर्थ टाइप को लिया जो है मैच द इंफॉर्मेशन। इसकी वीडियो देखनी है, सबसे पहले वीडियो तो देखनी देखनी है, जो भी आप फॉलो करते हो चैनल को उसकी वीडियो आपने देख लेनी है। टिप्स एंड ट्रिक्स को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है कि आपके मेंटर ने कैसे इसको सॉल्व किया था, वही स्ट्रैटेजी आपने यूज़ करनी है और आपने इसके 5 क्वेश्चन करने हैं, मैच द इंफॉर्मेशन के 5 क्वेश्चन करने हैं। 5 क्वेश्चन करने के बाद आपने क्या करना है, एनालाइज करना है अपनी मिस्टेक्स को कि अगर ये मेरा आंसर रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग हुआ। जब तक आप खुद से क्वेश्चन नहीं पुट करोगे कि मैंने क्यों रॉन्ग किया, तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं होएगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप ज़रूर आइडेंटिफाई किया करो, एनालाइज किया करो, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगा ये। अब 5 क्वेश्चन आपने कर लिए, फिर से वही इवनिंग में 10 क्वेश्चंस आपने किसके सॉल्व करनी है, मैच द इंफॉर्मेशन से, और जो हम पीछे क्वेश्चंस करके आए हैं उनकी टाइप्स को भी साथ में इंक्लूड कर लेना है, जैसे लिस्ट ऑफ पीपल, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स, इन सभी को भी साथ में आपने करना है, ठीक है। कंसंट्रेशन और ज़्यादा टाइम लगेगा अब आपको करने में इन तीनों को, ठीक है, क्योंकि पहले तो थोड़ी टाइप कर रहे थे, अब आपकी टाइप्स क्या हो रही हैं, इंक्रीज़ हो रही हैं। अब आपने ये भी देखना है कि इतने क्वेश्चंस मैं कितने टाइम में सॉल्व कर पाता हूँ या फिर पाती हूँ, ठीक है। और जिनका एग्ज़ाम दूर है अभी, टाइम है एग्ज़ाम में, वो ये नेक्स्ट डे करेंगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा, जिनके एग्ज़ाम में टाइम है वो ये सारे नेक्स्ट दिन करेंगे। हमने कौन कौन सी टाइप कर ली, ट्रू फॉल्स की वीडियो देख ली, फिर हमने उसके क्वेश्चंस कर लिए, फिर एनालाइज भी कर लिया, फिर जिनका एग्ज़ाम नियर है उन्होंने इवनिंग में फिर से ट्राई किए ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस, और जिनका एग्ज़ाम थोड़ी दूर है उन्होंने क्या किया, इसको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को नेक्स्ट डे करना है, ठीक है। फिर फिलिंग दी ब्लैंक्स को भी हमने कर लिया, एनालाइज हो गया, सारा कुछ कर लिया उसका भी, फिर उसके बाद हमने लिस्ट ऑफ पीपल को भी कर लिया, ठीक है। अब हमने मैच द इंफॉर्मेशन को भी कर लिया। अब इसके साथ साथ आपने वो ऐड करते रहना है जो जो टाइप्स आपने कवर की हुई है, ठीक है, इससे आपको क्लैरिटी होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा लिस्ट ऑफ हेडिंग, सबसे डिफ़िकल्ट जो बच्चों को लगते हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग। इसकी भी वीडियो देखो, वीडियो देख ली, 10 क्वेश्चंस आपने लिस्ट ऑफ हेडिंग के करने हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन लिस्ट ऑफ हेडिंग के करने हैं वीडियो देखने के बाद। उसके बाद आपने एनालाइज करना है कि कौन सी मेरी लिस्ट ऑफ हेडिंग गलत हुई है, किस वजह से गलत हुई है, क्या मैंने देखकर इसका आंसर ये लगाया था, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, 10 क्वेश्चन फिर से लिस्ट ऑफ हेडिंग के सॉल्व करने हैं। जिनका पेपर नियर है वो इवनिंग में करेंगे, जिनके पेपर में टाइम है वो नेक्स्ट दिन करेंगे। तो साथ में आपने सभी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते होना जो हमने पीछे किए हुए हैं, जैसे मैच द इंफॉर्मेशन, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, लिस्ट ऑफ द पीपल। क्यों मैं ये बोल रही हूँ, क्योंकि अब आपको क्या हो रहा है, हर एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ रहे हैं अब आपको, ठीक है। सो आपको पता लगेगा कि अगर
सभी टाइप्स के क्वेश्चंस आ गए तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। क्योंकि पहले तो आप एक एक को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, तो अब जब मिक्सचर आएगा जैसे पेपर में आता है तो आपकी प्रैक्टिस होगी कि हम कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। इसके पीछे ये रीज़न है। आई होप अच्छे से क्लियर होगा गाइस आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग के ऊपर भी। उसके बाद एमसीक्यूज़ भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं आप लोगों को, उसकी भी वीडियो देखो। 20 एमसीक्यूज़ आपने करने हैं, आपने एनालाइज़ करना है, प्रॉपरली एनालाइज़ करो कि इसका ऑप्शन मैंने गलत क्यों लगाया है। फिर उसके बाद जिनका पेपर दूर है वो नेक्स्ट दिन करेंगे, जिनका पेपर जल्दी आने वाला है वो उसी दिन करेंगे 10 क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के, और जो हम पीछे टाइप्स करके आए हैं उनके तीन तीन चार चार क्वेश्चन आप बीच में ऐड करते रहोगे, ठीक है। ये आप देख सकते हो सभी टाइप्स को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, आपने वीडियो देखनी है विच पैराग्राफ कंटेन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, आपने वीडियो को चेकआउट करना है, ठीक है। आई होप अच्छे से क्लियर होगा। वीडियो देखने के बाद 10 क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं किसके, विच पैराग्राफ कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन। इससे क्या होगा, आपको पता लगेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, जो गलत हो रहे हैं उसके पीछे क्या रीज़न है। तो ऐसे क्या होगा, आपको फैमिलैरिटी हो जाएगी कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं और हम लोग इसको इस वे से सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज़ द ओनली मेन रीज़न कि मैं आपको क्यों बोल रही हूँ इस तरह करने के लिए, ठीक है। एनालाइज कर लिया, फिर उसके बाद जहाँ इवनिंग को जहाँ फिर नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, फिर से 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं विच पैराग्राफ कंटेनिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। उसमें दो तीन आप एमसीक्यू को ऐड करो, फिलिंग द ब्लैंक्स को ऐड करो, ट्रू फॉल्स को, लिस्ट ऑफ पीपल, लिस्ट ऑफ हेडिंग, मैच द इन्फॉर्मेशन। अब देखो कितने ज़्यादा क्वेश्चंस बीच में ऐड हो चुके हैं, तो ऐसे एक फुल रीडिंग आप प्रिपेयर कर रही हो स्टेप बाय स्टेप। जैसे पहले आपने ट्रू फॉल्स को किया, फिर उसके बाद आप फिलिंग द ब्लैंक से फैमिलैरिटी हुए कि अगर ये दोनों आ गए तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइप हमारी बची है यस नो नॉट गिवन, इसकी भी वीडियो देखनी है। 10 क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, उसके बाद आपने मिस्टेक्स को देखना है और नेक्स्ट दिन या फिर उसी दिन पूरी रीडिंग को सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। उसी दिन जब आपके ये सारी टाइप्स कवर हो जाएंगी, आपको फैमिलैरिटी हो जाएगी कि हम कैसे सारे मिक्सचर को कर सकते हैं। एक बार अच्छे से ध्यान से सुनो, सबसे पहले हमने क्या किया, ट्रू फॉल्स की वीडियो देखी, ठीक है। वीडियो देखने के बाद हमने उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एनालाइज किया कि अगर मैंने इसका आंसर फॉल्स लगाया था तो क्यों गलत हुआ ये मेरा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जहाँ फिर उसी दिन करो जहाँ फिर नेक्स्ट दिन करो, फिर से ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है। फिर फिलिंग दी ब्लैंक्स हमने की, ठीक है। फिलिंग दी ब्लैंक्स करने के बाद हम लोगों ने क्या किया था, लिस्ट ऑफ पीपल, लिस्ट ऑफ पीपल किए, वही स्ट्रैटेजी सेम फॉलो की, वीडियो देखी, ठीक है। फिर क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर उसके बाद एनालाइज किया, फिर उसी दिन या नेक्स्ट दिन फिर से क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैरेटिव है, एक बार करके देखना, इम्प्रूवमेंट आपको दिखने को मिलेगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी अप होगा गाइस। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर आईएलटीएस एग्ज़ाम, मैं भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करती थी रीडिंग मॉड्यूल में। मैंने आईएलटीएस क्लियर किया, मैं कोई भी कोचिंग सेंटर विजिट नहीं किया है, मैंने खुद से ही आईएलटीएस को प्रिपेयर किया है। सो दैट्स वाई जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ एक बार फॉलो करके देखो, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इसके मिलेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो डेफिनेटली क्लैरिटी होगी। अब मैं बात करूँगी कि टाइम को कैसे मैनेज करना है आप लोगों ने। काफ़ी बच्चों के कमेंट आते हैं कि मैम टाइम नहीं मैनेज होता हमसे, तो टाइम को मैनेज कैसे कर सकते हो आप लोग।
टाइम मैनेजमेंट होगी कीवर्ड मेथड से। आप लोग क्या करते हो, पूरे क्वेश्चन को रीड करते हो, फिर उसे आपको कीवर्ड पिक करना नहीं आता। कीवर्ड होता क्या कि पूरी लाइन में मेन बात किस चीज़ की गई है वो आपका है कीवर्ड, ठीक है, कि पूरी बात किसके अराउंड घूम रही है वो है आपका कीवर्ड होता है, ठीक है। तो उसकी हेल्प से आपने लोकेशन पर जाना है। अब लोकेशन पर जाना भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है क्योंकि वोकैबुलरी नहीं आती। तो गाइस आप लोगों ने क्या करना है, वोकैबुलरी की वीडियोस देखो। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक वर्ड का मीनिंग पता हो, नो ऐसा नहीं है। आपको डिफ़िकल्ट क्यों लगता है, क्योंकि कई बच्चों ने मेडिकल किया हुआ है, किसी ने नॉन मेडिकल किया हुआ है, किन्हों ने कॉमर्स किया, कुछ लोगों ने आर्ट्स किया है। सो आप लोगों को एक दूसरे के टॉपिक्स पढ़ने के लिए डिफ़िकल्ट लगते हैं। जैसे अगर कॉमर्स वालों को मेडिकल का आ जाए तो उनके लिए ये तो हरकुलिन टास्क हो गया, लेकिन अब करना तो है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कीवर्ड मेथड को फॉलो करना है। आपको पूरा पैराग्राफ रीड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट स्कैन करना है इस वे से, उस कीवर्ड को फाइंड आउट करना है। इतना टाइम सेव होगा आपका, आप इमेजिन नहीं कर सकते। कीवर्ड मेथड बेस्ट है, ठीक है। और जो बच्चे बोलते हैं कि मैम हम काफ़ी टाइम से आइल्स कर रहे हैं, हमारे रीडिंग में बैंड स्कोर नहीं आते हैं, मैसेजेस आते हैं मेरे को इससे रिलेटेड, तो मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जो आप मेथड फॉलो कर रहे हो मे बी वो रॉन्ग है। आपने क्या किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी वही मेथड फॉलो किया, सेकंड में भी वही मेथड फॉलो किया, थर्ड में भी वही मेथड फॉलो किया। सो ये कैसे पॉसिबल है कि आप सेम चीज़ फॉलो करते हो तो आपके बैंड स्कोर में चेंज होगा? नो, बैंड स्कोर में कभी चेंज नहीं होगा जब तक आपका मेथड चेंज नहीं होगा। आपने अपना प्रैक्टिस का वे चेंज करके देखो, उसमें कुछ चेंजेस करो, आप लोगों के लिए अच्छे होंगे। बहुत बच्चे एग्ज़ामिनेशन के टाइम पर इतने ज़्यादा मतलब टेंस हो जाते हैं कि उनके कोचिंग सेंटर में तो मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं, लेकिन जब फाइनल एग्ज़ाम होता है तो वो 5.5 या फिर 5 पर स्टक हो जाते हैं। सो गाइस इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एग्ज़ाम है, सभी लोग इसको क्लियर कर सकते हैं। जस्ट कॉन्फिडेंस के साथ करो, कुछ अंडरस्टैंडिंग की आपको ज़रूरत है और इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ों की ज़रूरत हमें नहीं होती है, ठीक है। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ गाइस, कि आप लोग दिन में एक रीडिंग को करो, ज़्यादा रीडिंग मत करो, और हमेशा एक टीचर को फॉलो करो। आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न होगी क्योंकि हर एक टीचर का मेथड डिफरेंट होता है, तो इससे क्या होगा, आपके माइंड में कन्फ्यूज़न होगी कि मैं इस टीचर की टिप्स फॉलो करूं, इसकी करूं या फिर किसी और की करूं। सो इससे कभी भी आइल्स क्लियर नहीं होगी, कंफ्यूजन होगा जस्ट, क्योंकि एक बार अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता तो कॉन्फिडेंस लेवल अप करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक तो पैसा भी वेस्ट हो जाता है और दूसरी बार देने में बच्चों को बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, अटैम्प्ट में भी पता नहीं क्लियर होगा या नहीं होगा। उसके पीछे जस्ट यही रीज़न है कि आपका प्रैक्टिस का वे गलत है। आप लोग क्या करते हो, इसमें बिलीव करते हो, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, आप इसके ऊपर बिलीव करते हो। अब प्रैक्टिस तो आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में भी की थी, सेकेंड में भी की है, थर्ड में भी कर रही हो, ठीक है, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा ही ना हुआ उसका, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला आपकी प्रैक्टिस करने से। 3-4 रीडिंग सॉल्व कर ली, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, टाइम तो वेस्ट होता है, गैप तो इंक्रीज होता है, आपको कुछ बेनिफिट ही नहीं मिला उसका। सो आपने किसके ऊपर बिलीव करना है, राइट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, कि राइट प्रैक्टिस एक पर्सन को राइट बनाती है, ठीक है। प्रैक्टिस का वे राइट करो, जो आपने मेथड फर्स्ट टाइम फॉलो किया था उसको सेकंड टाइम फॉलो मत करो,
ठीक है, उसमें चेंजेस लेकर आओ, टिप्स एंड ट्रिक्स को अंडरस्टैंड करो। ट्रांसलेशन की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती है कि आप पूरे पैराग्राफ को ट्रांसलेट करो, नो। जब यहाँ तक आपको कीवर्ड मिलते हैं वहाँ तक आपने रीड करना होता है, और वहाँ पर जाके आपने एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करना है कि इस चीज़ की बात हुई है लेकिन इसकी कोई बात नहीं हुई। हर कीवर्ड मैच होना चाहिए आपके ऑप्शंस के साथ, तो आपको 100% श्योरिटी के साथ आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा कि मैंने क्या क्या बोला है। एक बार ऐसे फॉलो करके देखना, एक दिन में एक टाइप सॉल्व करके देखो, डेफिनेटली रिज़ल्ट मिलेंगे। क्योंकि उसका भी क्या फ़ायदा अगर आप पूरी रीडिंग को सॉल्व कर रहे हो लेकिन फिर भी आपके 17, 20, 22 के अराउंड आ रहे हैं, तो उसका भी क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है। जब तक आप ऐसे नहीं करोगे तो आपके बैंड स्कोर कैसे अप होंगे? आप लोगों ने एक दिन में एक टाइप को हिट करना है, तो रिज़ल्ट देखना उसके बाद आपको कितना अच्छा मिलेगा। बिलीव करो, बहुत बच्चों के ऐसे एग्ज़ाम क्लियर हुए हैं, ठीक है। आपने एक दिन में एक टाइप करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपने टाइप आज की है वो आपने कल करनी है, और साथ में आपने फिलिंग दी ब्लैंक्स भी करनी है। जैसे फर्स्ट दिन आपने ट्रू फॉल्स कर लिए, सेकंड दिन आपने क्या करना है, ट्रू फॉल्स भी करनी है और फिलिंग दी ब्लैंक्स को भी हिट करना है। इससे आपका सिटिंग भी ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगा। ये मत फोकस करना कि कितना टाइम ले रही हो, नो, ये मैटर नहीं करता। आपको बेसिक बता रही हूँ, बहुत अच्छे से आपकी इम्प्रूवमेंट होगी अगर आप इसको फॉलो करके देखोगे तो। सो लास्ट में मैं जस्ट यही बात आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि आइल्स का जस्ट एक एग्ज़ाम है। जितना ज़्यादा फ्री माइंड से करोगे उतने अच्छे बैंड स्कोर आएंगे आप लोगों के। सो टेंशन मत लो, जस्ट फ्रीली माइंड से करो। और मैं आपको ये बात कहना चाहती हूँ, अगर आपको ये मैथड बेनिफिट लगे तो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना कि आप में इम्प्रूवमेंट हुई है या फिर नहीं हुई है। सो गाइस, ट्रांसलेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं ट्रांसलेशन के ऊपर वीडियो बनाओ। पूरा पैराग्राफ को ट्रांसलेशन करने की क्या ज़रूरत है आपको? आपने जस्ट वहाँ से रीड करना है जहाँ से आपका कीवर्ड स्टार्ट हो रहा है और जहाँ तक वो एंड हो रहा है, उसके बीच में अंडरस्टैंडिंग आपकी होना प्रॉपरली है, ठीक है। कोई वोकैबुलरी वर्ड नहीं आता उसको स्किप कर दो, ठीक है। ये थोड़ी ज़रूरी कि हर एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, नो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट गाइज। आप लोग कर सकते हो, जस्ट कंसंट्रेशन के साथ एक बार करके देखो तो आपको रिज़ल्ट डेफिनेटली ही मिलेंगे इसके। अगर आपको ऐसी वीडियोस और मॉड्यूल्स के ऊपर भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वो सारे टिप्स बताऊंगी जो मैंने खुद फॉलो की थी, बिकॉज़ मैंने भी घर पर ही प्रेपरेशन की थी आइल्स की। मैं कोई भी कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं किया था, किसी ने मेरी स्पीकिंग नहीं ली, किसी ने राइटिंग चेक नहीं की, कैसे मैंने प्रेपरेशन किया आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए। और गाइस, यू हैव टू मेक श्योर कि इसको फॉलो करना, ठीक है। और जो आपके इश्यूज हैं रीडिंग से रिलेटेड, कौन सा मटीरियल फॉलो करें, सो आप कैम्ब्रिज और मकड़ को फॉलो कर सकते हो। मैंने ये दोनों बुक्स ही यूज़ की थी, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए, ठीक है। क्योंकि कमेंट सेक्शन में बच्चे पूछते हैं कि कौन सा मटेरियल गुड है, सो गाइस मैंने आपको बता दिया कि दोनों ही बेस्ट है प्रेपरेशन के लिए, आप इनका यूज़ कर सकते हो अपने बैंड स्कोर को इन्हांस करने के लिए। सो गाइस, एक बार फिर से आपने मेक श्योर करना है कि कैसे कैसे करने हैं। पहले दिन आपने क्या करना है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को करना है, ठीक है। विद इन द 15 डेज आप अपने में
प्रोग्रेस देखना, कितने ज़्यादा आपके जो बैंड स्कोर है वो अमिलोरेट होंगे। सो दिस इज़ द ओनली मेन रीज़न कि मैं आपको बोल रही हूँ कि जैसे जैसे मैंने लिखे हैं वैसे वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सबसे पहले हो गया हमारा ट्रू फॉल्स, देन हमारे होंगे फिलिंग द ब्लैंक्स, इसमें समरी वाले भी करने हैं, फ्लो चार्ट भी, सिनोनिम्स भी, टेबल भी, हर एक टाइप को आपने कवर करना है। फिर तीसरे दिन आपने क्या करना, लिस्ट ऑफ़ पीपल, जिसको हम लिस्ट ऑफ रिसर्चर भी बोलते हैं, वो टाइप्स को आपने हिट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद मैच द इंफॉर्मेशन, उसको हिट करना है, ठीक है। फिर लिस्ट ऑफ हेडिंग को आपने करना है, देन आपने एम सी क्यू उसको करना है। एम सी क्यू उसको करने के बाद आपने क्या करना है, विच पैराग्राफ कंटेनिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन की वीडियोस देखनी है, फिर उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, मिस्टेक्स को एनालाइज करना है। जिनका बच्चों का एग्ज़ाम नियर है वो उसी दिन करेंगे 10 क्वेश्चंस फिर से, और जिनका एग्ज़ाम में अभी टाइम है वो क्या करेंगे, नेक्स्ट दिन करेंगे, और साथ में जो आप पहले क्वेश्चंस कर आए हों उनको भी साथ में एडअप करते रहना है, जैसे एम सी क्यूज, फिलिंग दी ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, लिस्ट ऑफ एडिंग, लिस्ट ऑफ पीपल, मैच द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। लास्ट टाइप हमारी बची येस नो नॉट गिवन, तो आपने 10 क्वेश्चन इसके करने हैं, मिस्टेक्स को एनालाइज करना है, फिर उसके बाद आपने पूरी रीडिंग को करना स्टार्ट कर देना है उस दिन से, ठीक है। विद इन द 15 डेज आप रिजल्ट देखोगे, बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। और गाइस अगर आपको पूरी रीडिंग में कहीं पर लिस्ट ऑफ हेडिंग मिलेंगे तो सबसे पहले आपने लिस्ट ऑफ हेडिंग को हिट करना है, क्योंकि आपको पूरा पैराग्राफ रीड करना पड़ेगा। अगर पूरा पैराग्राफ रीड करोगे तो आपको फैमिलैरिटी हो जाएगी हर एक क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस के साथ हो जाएगी, और विद इन द 1 or 2 मिनट आपके सारे आंसर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, और इसको फॉलो करना, और ज़रूर बताना कि कैसे लगी आपको ये वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग IELTS विद एम के चैनल।